हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला का दौरा किया है। पंचकुला के सेक्टर 9 की द्रेहड़ी मार्केट में दुकानदारों और मालिकाना हक सौंपने के कार्यक्रम के में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुकानदारों को मालिकाना हक के दस्तावेज भी सौंपे हैं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल समेत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी, मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पलवल में आदर्श गांव बडौली के प्राथमिक स्कूल में छात्र जमीन पर बैठकर के पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, जिस वजह से बच्चे दरी बिछा करके क्लास में बैठते हैं। बरसात के मौसम में बच्चों और अध्यापकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गाँव को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया था और अब गाँव को अतिरिक्त सचिव सुधीर राजपाल ने गोद लिया हुआ है, लेकिन तब से अब तक गांव की हालत में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। पानीपत में हुई 17 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। महज 20 घंटे में पुलिस ने लूट की इस बड़ी वारदात को पूरी पटकथा खोल करके रख दी है। एसपी शशांक कुमार सावन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इस मामले में 2 आरोपियों को कुरुक्षेत्र के बबैन से गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से लूट की रकम भी बरामद कर ली गई है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता की लूट का आरोपी निकला है। अंबाला में नगर निगम के दफ्तर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। फ्लाइंग टीम को हारिजी में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। टीम ने सुबह सुबह नगर निगम के दफ्तर पर जाकर के रेड की और हाजुरी के रजिस्टर को भी चेक किया है। टीम ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया। कुरुक्षेत्र के पेहोवा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक मकान की छत गिर गई है, जिसमें पंजाब के रहने वाले पति पत्नी की उसके नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। सदर थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि गांव सरवस्ती खेड़ा निवासी हरबंस सिंह की मौत माता के भोग पर दोनों पति पत्नी आए हुए थे और कमरे की छत गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ रोड स्थित एक होटल में अवैध तरीके से चल रहे देव्यापार का सीएम फ्लाइंग टीम ने भंडाफोड़ किया है। टीम ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। सभी को झोझू कला थाने ले जाया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं पूछताछ में पता चला है कि तीनों महिलाएं दूसरे राज्यों की रहने वाली है। होटल में स्पा सेंटर के नाम पर अवैध तरीके से देव्यापार चल रहा था। पटौदी ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 15 लाख की फिरौती न देने पर दलीप की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतक के दोस्त ने ही अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए कैश भी बरामद किया। पलवल जिले के गांव बडौली के लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों को बंधक बनाने की चेतावनी दी है। 20,000 आबादी वाले इस गांव के लोगों का कहना है कि वो लंबे अरसे से नेताओं से लेकर के अधिकारियों तक विकास की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं कराया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द गांव में विकास कार्यों की शुरुआत नहीं हुई तो वो ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को बंधक बनाने का काम करेंगे।